Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shisham School. Today in this video, we will start our new chapter of your EVS book, that is chapter 9th, and the name of the chapter is Water. So let's start reading. Water is a precious liquid on the earth. Water jo hai, dharti pe sabse zyada precious liquid hai, matlab ki sabse keemti liquid hai. Liquid ko hum taral padarth bolte hai Hindi mein. The liquid aapko pata jo cheez flow karti hai. Okay? So, आपको पता है पानी के बिना कुछ भी नहीं है. पानी सबसे important है. It is a basic need for of all living things, including plants. ये जो है हमारी सबसे मतलब एक basic बिल्कुल कि इसके बिना तो और चीजों के बिना काम चल सकता है, but ये बिल्कुल basic need है हर एक living things की, साथ में plants भी उसमें शामिल है. ठीक है, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, चाहे हम इंसान हो, हर एक लिविंग थिंग के लिए जो पानी है ये सबसे पहली उसकी एक ज़रूरत होती है, सबसे बेसिक नीड होती है उसकी. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर. इस चैप्टर में हम वाटर के इम्पॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, पानी क्यों ज़रूरी है, उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि वो कहाँ कहाँ काम आता है, एंड सोर्सेज ऑफ वो हमें कहाँ से मिलता है, उसके स्रोत सोर्सेज होते हैं स्रोत, एंड हाउ टू सेव इट, और पानी को हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं. वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड्स फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स. तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, मतलब जो भी सांस लेते हैं, हर एक लिविंग थिंग के लिए जो पानी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट नीड है, उसकी सबसे पहली ज़रूरत है उसकी. दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. कोई भी लिविंग थिंग बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकता, बिना पानी के नहीं जीवित रह सकता. इवन एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू सर्वाइव. तो हम सिर्फ इंसान को ही नहीं बल्कि जानवर और जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको भी पानी की उतनी ही ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए. यूजेस ऑफ वाटर. वाटर इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस. वाटर जो है वो अलग अलग पर्पस के लिए काम आता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर वॉशिंग, कुकिंग, बाथिंग, ड्रिंकिंग. ये तो बहुत ही कॉमन से आपको एक चार बता दिए. इसके अलावा आपको पता है कि पानी कहाँ कहाँ काम आता है. ठीक है, तो कपड़े धोने, खाना पकाना, नहाना, पानी पीना, इसके अलावा और बहुत सारे काम होते हैं घरों में जिसमें पानी का काम यूज़ होता है. सोर्सेज ऑफ वाटर. अब हमें पानी मिलता है कहाँ से, इसके सोर्स क्या है, उसके स्रोत. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. तो सबसे जो मेन सोर्स है पानी का वो है रेन, बारिश. मेन जो हमारा जो पानी हमें मिलता है वो बारिश के पानी इकट्ठा जो हो जाता है उसी से हमें मिलता है. रेन वाटर फॉल्स इन लेक्स. जैसे कि जो बारिश का जो पानी है वो लेक्स में क्या कहते हैं गिरता है, पोंड्स है, रिवर्स है, नदियाँ, तालाब वगैरह, इन सब में पानी जमा होता है. तो उसके बाद वाटर इज स्टोर्ड इन लार्ज टैंक. तो बड़े बड़े जो टैंक होते हैं उसमें पानी को फिर स्टोर किया जाता है. वी गेट वाटर फ्रॉम द रेन. तो हमें जो पानी है वो हमें रेन से मिलता है, कुओं से मिलता है, तालाब से मिलता है, रिवर से, नदियों से और लेक से, झरनों से. ठीक है, तो हमें इन सब से क्या मिलता है, पानी मिलता है. और यहाँ पर इनमें भी जो पानी इकट्ठा होता है वो किसकी हेल्प से, कहाँ से होता है, रेन से. ठीक है, सो नेक्स्ट आपका है आगे अंडरग्राउंड वाटर इज गेट बाय ट्यूबवेल्स एंड पम्प्स. जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, मतलब कि जो आपके ज़मीन के नीचे होता है जो अंडरग्राउंड पानी होता है, वो हमें किससे, हम फिर ट्यूबवेल वगैरह पम्प वगैरह से हमें मिलता है. आपको पता है गाँव में तो बहुत होते हैं ट्यूबवेल और पम्प्स वगैरह. और यहाँ पर आपको पता है जो आपके घरों में मोटर लगी रहती है वो क्या करती है, नीचे अंडरग्राउंड से ही तो पानी खींचती है. वाटर इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस लाइक ड्रिंकिंग. आपको पता है कि पानी जो है अलग अलग तरह के उसमें पर्पस में काम आता है, जैसे कि ड्रिंकिंग, वॉशिंग, इरिगेटिंग एक्सेट्रा, पीना और आपके कपड़े धोने वगैरह या बर्तन धोना जो भी है वॉशिंग के लिए. उसके अलावा इरीगेटिंग होता है सिंचाई करना, जैसे फसल वगैरह जो उगाई जाती है फसलों में पानी देने की ज़रूरत होती है तो वो सिंचाई होती है. और उसके अलावा बहुत सारे यूजेस होते हैं पानी के. रिवर वाटर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज बाय प्योरीफाइंग इट. जो नदियों का पानी होता है उसको भी हम ड्रिंकिंग पर्पज से यूज़ कर सकते हैं, मतलब पीने के लिए लायक उसे बना सकते हैं, उसको प्योरीफाई करके, उसको शुद्धिकरण करके उसका. सिंस वाटर फ्रॉम ओशियंस एंड सीज इज़ वेरी सॉल्टी. लेकिन जो क्या कहते हैं आपका जो समुद्र का जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, बहुत ज़्यादा नमकीन खारा होता है. सो इट कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग. तो उस पानी को हम पीने के लिए और खाना पकाने के लिए नहीं यूज़ कर सकते. तो जो ओशन और सीज के पानी होता है मतलब हम उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ से और उसको कुकिंग पर्पज़ से हम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है.
इफ वी ड्रिंक इम्प्योर वाटर, अगर हम अशुद्ध पानी पियेंगे तो वी मे फॉल सिक, हम बीमार पड़ सकते हैं. वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाई वेरियस मैथड्स सच एज बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग. और पानी को हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं, कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, अलग अलग मैथड से, जैसे कि बॉइलिंग, उबाल कर. उबालने से जो होता है, जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं. एंड फिल्टरिंग, या फिर इसको फिल्टर करके. फिल्टर कैसे होता है, आजकल आप सबके घर में आरओ लगे रहते हैं, ठीक है, और वाटर प्योरीफायर्स वगैरह आते हैं मार्केट में, अवेलेबल है उन सब से, ठीक है. तो इन चीज़ों की हेल्प से हम पानी को क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं. फिल्टरिंग रिमूव्स इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द वाटर. फिल्टरिंग क्या करता है, जो भी उसमें इम्प्योरिटीज़ होती है, मतलब कि जो जर्म्स या कण वगैरह होते हैं अगर मिट्टी के, वो सभी क्या हो जाते हैं, उसमें रिमूव हो जाते हैं. द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर आर किल्ड बाई बॉइलिंग. और जो जर्म्स होते हैं पानी के अंदर, वो बॉयल करने से मर जाते हैं. बॉइलिंग करना मतलब उबालना. सेविंग ऑफ वाटर, पानी को सेव कैसे किया जाए. बहुत जगह पे हम पानी को बहुत वेस्ट करते हैं, जैसे जब आप ब्रश करते हो तो कई बार क्या करते हैं बच्चे या बड़े भी, कि टैप को खोल के रखते हैं और ब्रश फिर ऐसे करते रहेंगे. पर हमें क्या करना चाहिए, जब जब हमें पानी की ज़रूरत पड़े सिर्फ तभी टैप को ऑन करके, फिर जैसे ही आप पानी ले लो जितना आपको चाहिए, फिर तुरंत बंद कर दो. उसके अलावा बहुत सारी जगह हम ज़्यादातर पानी से अपने घरों को धोते हैं, गाड़ियों को पूरा पूरा पानी डाल डाल के धो रहे हैं. तो जहाँ पर आप कम से कम गीले कपड़े से काम चल सके, जिस तरीके से कम पानी का यूज़ आप कर सको, उस तरीके से यूज़ करना चाहिए. तो कैसे कैसे सेव कर सकते हो, वी शुड यूज़ एज मच वाटर एज वी नीड. हमें उतना ही पानी इस्तेमाल करना चाहिए जितने की हमें ज़रूरत हो. वी शुड टर्न ऑफ द टैप्स प्रॉपरली. हमें सारी जितनी भी टैप्स होती है, 20 बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, तो जितनी भी टैप्स होती है घरों में, उन सबको हमें अच्छे से प्रॉपरली उसको बंद करना चाहिए. एंड मैन ऑल लीकिंग पाइप्स. और अगर आपके घर में कोई पाइप कोई लीक हो रखी है, जैसे पानी वानी टपकता है निकलता है, तो उसको ठीक करा लेना चाहिए जल्दी. वाइल बाथिंग एंड ब्रशिंग, वी शुड नॉट कीप द टैप ऑफ शावर रनिंग व्हेन वी डू नॉट नीड वाटर. जब हम नहाते हैं या ब्रश करते हैं, उस टाइम पे हमें टैप को ऑन नहीं रखना चाहिए. जैसे जो शावर होता है, शावर के नीचे जो नहाते हैं, उसको चलते हुए नहीं रखना चाहिए अगर हमें पानी की ज़रूरत नहीं है तो. जब हमें पानी की ज़रूरत हो तभी शावर या टैप को आप ऑन रखिए. यूज़ द बकेट फॉर बाथिंग. और हमें शावर की जगह बल्कि बकेट का यूज़ करना चाहिए नहाने के लिए, क्योंकि शावर में पानी ज़्यादा वेस्ट होता है. और बाथिंग में क्या होता है, बकेट अगर आप यूज़ करते हो तो एक ही बाल्टी, आपने जो नहाना है एक बाल्टी में नहा लिया और हो गया. ओके, सो वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए. आफ्टर वॉशिंग द वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स धोने के बाद, वाटर कैन बी यूज्ड फॉर वाटरिंग द प्लांट्स. जो वो पानी होता है जिसमें आपने वेजिटेबल्स धोई होती हैं, उस पानी को आप प्लांट्स में डाल सकते हो. तो इस तरीके से भी हमें पानी को रीयूज भी करना चाहिए. इस तरीके से पानी को हम सेव कर सकते हैं. सो आई होप यू आर ऑल क्लियर दिस चैप्टर. इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, or you can WhatsApp also. Till then, take care.